भविष्य के बारे में, हमारे पास के बारे में, हमारे प्रेजेंट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देता है। होता क्या है कि हम 9th और 10th में जब पढ़ा करते थे तो साइंस में हम एक चीज पढ़ा करते थे कि प्लैनेट्स जो हैं हमारे रिवॉल्व करते हैं और उनकी रिवॉल्वमेंट से बहुत सारे ब्रह्मांड में एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन उन एक्टिविटीज में हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर किस तरह के इफेक्ट पड़ते हैं वो एस्ट्रोलॉजी। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी का, और इस कॉम्बिनेशन से जो रिजल्ट्स आते हैं वो वाकई में ही इंसान के भीतर बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं, इसी को ज्योतिष कहते हैं। आज समाज को ज्योतिष की आवश्यकता क्यों है और इसमें आपका क्या योगदान रहेगा? देखिए ईशिका जी, समाज में आज ज्योतिष की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पुराने समय में इतनी समस्याएं नहीं होती थी जिंदगी के अंदर, जिसकी वजह से नॉर्मल रूटीन में सब कुछ चलता था, लेकिन आज की जो जिंदगी है वो भौतिकवादी जो है ये बहुत ज्यादा बन चुकी है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग के ऊपर बहुत सारी टेंशन्स, बहुत सारे स्ट्रेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में चलती रहती है। आज समाज में एक सही मार्गदर्शक की जरूरत है और ये वो मार्गदर्शक होना चाहिए जिसको हमारे इस ज्योतिष का बहुत भरपूर ज्ञान हो। पुराने समय में हमारी इसी एक विद्या की वजह से हमें विश्व गुरु माना जाता था, लेकिन हुआ क्या, अंग्रेज आए, मुगल आए, हमारी सभ्यता को, हमारी इस पद्धति को अपने साथ ले गए। आज के समय में उन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ज्योतिष के ऊपर रिसर्च की जाती है और वो नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, नई नई रिसर्चेस लेके आ रहे हैं ज्योतिष को लेकर, बहुत सारी चीजें उन्होंने डेवलप की हैं, लेकिन हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं। ज्योतिष का बहुत बड़ा योगदान है हमारी भौतिक जिंदगी में से परेशानियों को निकालते हुए माइंड को रिलीव करने के लिए। आज जितनी टेंशन और जितनी प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में हो चुकी हैं, बिना ज्योतिषीय सलाह के आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पा सकते हैं, इसी वजह से ज्योतिष की आज हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरत है। और जहां तक हमारे योगदान की बात है तो मेरा मानना यह है कि हर व्यक्ति को ज्योतिष सीखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा विज्ञान है और जब आप इस ज्योतिष को सीख पाएंगे, जब आप इस विद्या को सीख लेते हैं तो आप ना सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं बल्कि दूसरों के लिए एक अच्छे मार्गदर्शक का रोल प्ले करते हैं, उन्हें इधर उधर भटकने से या गलत डायरेक्शन में जाने से भी रोक सकते हैं। आप हाल ही में कुरुक्षेत्र में एक ज्योतिष इंस्टीट्यूट खोलने जा रहे हैं, तो उसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए ईशिका जी, हाल ही में हम लोगों ने विचार बनाया है कि यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट शुरू किया जाएगा और वो इंस्टीट्यूट जो है वो जुलाई से उसका सेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि वो इंस्टीट्यूट क्या है। वो इंस्टीट्यूट है आईफास। आईफास जो है नॉर्थ इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट है एस्ट्रोलॉजिकल स्टडीज को लेकर। भारतीय ज्योतिष संस्था संघ इसको ऑपरेट करता है और अपने आप में एक ब्रांड नेम है एस्ट्रोलॉजी को लेकर। यहाँ पर हम लोग प्रोफेशनल कोर्सेज करवाते हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर, न्यूमरोलॉजी को लेकर, टैरोट कार्ड्स को लेकर, वास्तुशास्त्र को लेकर, फेंग शुई को लेकर, क्रिस्टल थेरेपी को लेकर, पामिस्ट्री को लेकर, रेकी एंड हीलिंग को लेकर, इस तरह के सारे कोर्सेज जो हैं प्रोफेशनल ढंग से हमारे इंस्टीट्यूट में करवाए जाते हैं। मुद्दा ये आता है कि जहां हम मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी हर आदमी को सीखना चाहिए, वहां पर सही तरीके से एस्ट्रोलॉजी को सिखाने और उसकी नॉलेज देने वाले प्रोफेशनल टीचर्स की भी बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है। इस वजह से ये इंस्टीट्यूट मशहूर है अपनी प्रोफेशनलिज्म को लेकर, अपने एस्ट्रोलॉजिकल कंसेप्ट को लेकर। ये बहुत ही फेमस है और ऑलरेडी बहुत सारे इंस्टीट्यूट देश विदेश में आईफास के ऑपरेट किए जा रहे हैं। बहुत सारे समय से मैं ये देखता आ रहा हूँ कि हरियाणा के जो लोग हैं वो दिल्ली या चंडीगढ़ की तरफ मूव करते हैं इस तरह की स्टडीज को लेने के लिए, और कुरुक्षेत्र जैसे धार्मिक शहर में इस इंस्टीट्यूट का आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हमारा टारगेट यही रहेगा
कि मैक्सिमम लोग जिनको बड़ी दूर दूर जाना पड़ता है इस एजुकेशन के लिए, उनको कुरुक्षेत्र में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एस्ट्रोलॉजी की, प्रोफेशनल एजुकेशन एस्ट्रोलॉजी की यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके। सर, ग्रहों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इशिका जी, ग्रहों का मानव जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। देखिए, बहुत सारे ग्रह जो हैं, बहुत सारे क्या कहूं, मैक्सिमम सभी ग्रह मानव जीवन में किसी ना किसी चीज से जुड़े होते हैं। जैसे चंद्रमा को ले लीजिए, चंद्रमा माँ है, उसका माँ के साथ बड़ा गहरा संबंध जुड़ा हुआ है। सूर्य को ले लीजिए, सूर्य पिता है, पिता के साथ बड़ा गहरा संबंध जुड़ा हुआ है। बृहस्पति को ले लीजिए, बृहस्पति गुरु है, गुरु के साथ बड़ा गहरा संबंध जुड़ा हुआ है। तो इस बात से तो एक बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि ग्रहों का हमारे रिश्तों में बहुत बड़ा योगदान है। ग्रहों का अच्छा होना या बुरा होना हमारे रिश्तों के अच्छे होना या बुरे होने को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और ग्रहों की मूवमेंट से हमारी लाइफ में बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं। जैसे मंगल की बात करते हैं, जितने भी एक्सीडेंट्स हैं, सर्जरीज हैं, इंजरीज हैं, ये मंगल देता है। सूर्य की बात करते हैं, स्टेटस है, मान सम्मान है, रिस्पेक्ट है, गवर्नमेंट से जो हमें उपहार मिलते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से तोहफे मिलते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हमें सहयोग मिलता है, ये सब सूर्य की तरफ से आते हैं। बृहस्पति है, नॉलेज है, ज्ञान है, विजडम है। शुक्र है, लग्जरीज है। तो आपकी जिंदगी में जो जो पहलू आपकी जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, हर एक पहलू को कोई ना कोई ग्रह जो है वो ऑक्यूपाइड कर रहा है। हर एक पहलू के साथ कोई ना कोई ग्रह जो है वो जुड़ा हुआ है। तो आपकी कुंडली के ग्रहों के हिसाब से वो कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं, वो डायरेक्टली इफेक्ट जो है आपकी उसी चीज के ऊपर जाकर पड़ता है जो आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए आपका शुक्र कुंडली में खराब है, शुक्र को हम शादी का कारक मानते हैं, सुख सुविधाओं का कारक मानते हैं, लग्जरीज का कारक मानते हैं। अगर शुक्र खराब है तो नेचुरल है कि आपकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, नेचुरल है कि आपके पास सुख सुविधाएं अच्छी नहीं होंगी, नेचुरल है कि आप अपनी लग्जरीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे होंगे। आपका मंगल खराब है तो नेचुरल है कि आप सर्जरीज करवाते होंगे, एक्सीडेंट्स की संभावनाएं होती। ये बहुत बड़ी साइंस है जिसको समझने के लिए आपको प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से एजुकेशन लेने की जरूरत है। और जिस आदमी ने इसकी प्रॉपर एजुकेशन ले ली, वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक अच्छे मार्गदर्शक का काम कर सकता है। हम साइंस को ज्योतिष के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? देखिए, ज्योतिष और साइंस बड़ा गहरा संबंध है इसका आपस में। चांदी का एक उदाहरण लेता हूं। चांदी एक धातु है जिसका हम साइंस में उपयोग करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रोल हमारी लाइफ में रहता है। अब मैं इसको ज्योतिष के साथ आपको एक जोड़ के एग्जांपल बताता हूं। चांदी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, हमारी ज्योतिष के हिसाब से मून को रिप्रेजेंट करती है। चांदी की बेसिक तासीर गर्म होती है, वैसे ही कहा जाता है कि चांदी को ठंडी माना जाता है। और अगर आप साइंटिफिकली अगर मैं बात करूं कि अगर आप मेंटली बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं तो आपको चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए, ऐसा क्यों कहा गया? कारण बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप जब चांदी के गिलास में पानी पी लेते हैं तो चांदी जो है उसके सारे के सारे गुण जो है वो पानी अब्सॉर्ब कर लेता है, क्योंकि वो उसी की धातु है। और जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी के अंदर जाने से क्या होता है कि वो हमारे शरीर के अंदर जो टेंशन है, डिप्रेशन है, उसको ठंडक देता है, शांत करता है, जिससे हमारी टेंशन डिप्रेशन दूर होती है। और दूसरी तरफ मैंने आपको ये बताया कि चांदी की बेसिक तासीर जो होती है वो गर्म होती है। इसका एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है। किस तरह से बॉडी पर पड़ता है? मान लीजिए आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप चांदी के गिलास में पानी रोटी में पी रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका इफेक्ट ये होगा कि आप टेंशन जो है वो चांदी का जो पानी है वो आपको अंदर से शांत रखेगा, उस टेंशन को आप पे हैवी नहीं होने देगा, रिएक्शन नहीं करने देगा, और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा देगा। बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा देगा क्योंकि वो तासीर उसकी गर्म होती है ना, तो बॉडी की पावर्स बढ़ जाती है। तो क्या होगा, चांदी के गिलास में पानी पीने से आपके टेंशन आप पर हैवी नहीं होंगी, बॉडी तैयार रहेगी टेंशन और डिप्रेशन को फेस करने के लिए, प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि साइंस बहुत बड़ा सहयोगी है एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी और साइंस एक दूसरे के सहयोगी हैं। और ये एक साइंस जो है एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट कह लीजिए या एस्ट्रोलॉजी को ही साइंस का पार्ट कह लीजिए, चांदी एक ऐसा एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दिया जो डायरेक्टली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़ता है। तो साइंस का बहुत बड़ा रोल रहता है, एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहता है साइंस में, साइंस का एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी का साइंस में रहता है।
ज्योतिष के आड़ में लोग बहुत ज्यादा अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो उसको हम कैसे लोगों को जागरूक कर सकते हैं? इशिका जी, ज्योतिष को लेकर बहुत सारा अंधविश्वास फैला हुआ है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और हमारा जो ये मिशन है एजुकेशन को प्रमोट करना, ये भी इसी पर्पज से स्टार्ट किया जा रहा है। अगर लोग ज्योतिष के साथ जुड़ेंगे, अगर लोग ज्योतिष को समझेंगे, तो एटलीस्ट उनको इस बात की प्रॉपर जानकारी होगी कि कोई उनको मिसगाइड कर रहा है या कोई उनको सही गाइड कर रहा है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि हमारे आईफास के अंदर प्रोफेशनल एजुकेशन जो है वहां पर प्रोवाइड की जाएगी, हर आदमी को सीखना चाहिए। जैसे आप जब एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, और अगर आपको फर्स्ट एड की जानकारी होती है तो आपको डॉक्टर मिसगाइड नहीं कर पाता है। इसी तरह से अगर आपको ज्योतिष की बेसिक कॉन्सेप्ट्स की भी जानकारी होगी, तो आप जिस मर्जी के पास जाएंगे, जिस मर्जी प्रोफेशनल के या पास या स्पेशलिस्ट के पास आप जाएंगे, वो आपको मिसगाइड नहीं कर पाएगा। इसीलिए एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है, प्रॉपर जानकारी ही एक ऐसा माध्यम है जो इस अंधविश्वास को दूर कर सकती है। तभी मैं बोलता हूं कि एजुकेशन लीजिए, ज्योतिष एक शिक्षा है, इसको शिक्षा की तरह ग्रहण कीजिए, ताकि आपको कोई मिसगाइड ना कर सके। आपको सरकार व सामाजिक संस्थाओं द्वारा समय समय पर सम्मानित किया गया, तो आपको क्या अनुभव रहा? इशिका जी, बहुत अच्छा अनुभव रहा। नेचुरल सी बात है कि जब किसी को सम्मानित किया जाता है ना, तो उसके लिए खुशी का ठिकाना होता है। सरकार द्वारा सम्मानित किया जाना या संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जाना बहुत खुशी की बात होती है, लेकिन सबसे बड़ा मिशन हमारा फिर से वही है, जागृति लेके आना। हम सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ज्योतिष को एक शिक्षा का दर्जा दिया जा सके, ताकि आने वाले समय में लोग ज्योतिष को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़े और किसी भी तरह की मिस हैपनिंग होने से बचे। ज्योतिष पहले भी एक शिक्षा थी, आज भी एक शिक्षा है, आने वाले समय में भी एक शिक्षा ही रहेगी। और इस शिक्षा को अगर सरकार की तरफ से स्टेप उठाए जाते हैं, शिक्षा का प्रॉपर शिक्षा का दर्जा दिया जाता है, तो ये हमें विश्व गुरु बनने में हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। भविष्य में आपके समाज कल्याण के लिए क्या योगदान रहेगा, और आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इशिका जी, भविष्य में समाज कल्याण की जहां तक बात आती है, तो मेरा तो यही मानना है कि मैं अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से, अपने टीचिंग के माध्यम से कुछ ऐसे अच्छे एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट पैदा कर सकूं जो कि समाज कल्याण में एक बहुत बड़ी भूमिका जो है वो निभा सके। मेरे हिसाब से जब आप अपनी नॉलेज के जरिए दूसरों को सही मार्गदर्शन देने का काम करते हैं और उनकी समस्याओं से निकलने के लिए उनका सहयोग करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, तो इससे बड़ी समाज सेवा नहीं हो सकती है। तो मेरा तो यही टारगेट रहेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए, ताकि लोगों को एक अच्छे मार्गदर्शक के तौर पर हम लोग समाज में प्रस्तुत कर सके। अश्विनी जी, धन्यवाद आपका हमारे चैनल हरियाणा हलचल में टाइम देने के लिए। थैंक यू इशिका जी, थैंक यू हरियाणा हलचल का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनकी टीम का बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है।